जितना सम्मान मुझे भारतीय जनता पार्टी में एक महीने में मिला, उतना मेरे परिवार के 50 वर्ष कांग्रेस पार्टी को दिया उसमें नहीं मिला। ये सब आपको विदित है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में कोई भी देशभक्त युवा, कोई भी सनातनी युवा जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखता है उसको भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? इसीलिए मैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय शिवराज जी, आदरणीय नड्डा जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी में हूं। साथियों, भारत आज जब विदेश जाता है या हमारे कोई साथी विदेश जाते हैं या हमारे जो साथी बाहर है, किस तरह से भारत के लिए आज फक्र से उनका सीना चौड़ा है, बार बार मुझे अच्छा लगता है कि मैंने एक सही फैसला लिया है। आज देश विश्वगुरु की राह पर है। मोदी जी की लीडरशिप में $5 ट्रिलियन इकॉनमी होने वाला है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक गरीब का सम्मान बढ़ाया, अनुसूचित जनजाति जाति के भाइयों को सम्मान से जीवन जीना सिखाया। एक छोटा सा आपके सामने वाक्य करता हूं। एक हमारे मां साहब थे, आदिवासी समाज से आते हैं, अध्यापक हैं, उन्होंने एक बात बोली, भैया इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि गरीब की मई से उठा करके उसको एक पक्के मकान में डाला गया और ये मोदी जी ने काम किया है। मेरा वो सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा। प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। हमारे यहां बहने बैठी हुई है, जब भी मैं बस्तियों में जाता हूं, जब भी मैं मीटिंग में जाता हूं, एक ही सवाल उनसे पूछता हूं, पैसा आया कि नहीं आया? हाथ खड़ा करके बोलती हैं, मामा ने पैसा भेजा, हम वोट फिर कमल और कमल को देंगे। प्रदेश में विकास की बयान रह गई, हमारी बहनों को महीनों 1250 मिल रहा है। और अगर हमारी सरकार आई, अगर आपने आशीर्वाद दिया, तो ये राशि 3000 होने वाली है। हमारे मुख्यमंत्री का सपना है कि हम हर बहन की आमदनी ₹10,000 करें। भाइयों को मोदी जी और शिवराज सिंह जी मिलकर के ₹12,000 की किसान हमारी निधि दे रहे हैं, सम्मान निधि। और साथियों, अगर कहीं को भाजपा की सरकार आई नहीं तो मध्यप्रदेश में सारी स्कीमें कमलनाथ की सरकार बंद कर देगी, पहले भी बंद कर चुकी है। साथियों, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार में कमलनाथ जी ने जितनी हमारी जन कल्याण योजना थी वो सबको बंद कर दिया। इतना ही नहीं, जो गरीब को ₹5,000 कफन के मिलते थे उसको भी बंद कर दिया। इसलिए सजा मिली कि सरकार उनकी गिर गई। और आगे भी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए, बताइए। कमलनाथ की सरकार क्या आनी चाहिए? साथियों, 17 तारीख को जाइए, मोदी जी शिवराज सिंह जी की लीडरशिप में कमल के बटन का, कमल के निशान का बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनिए, प्रदेश का भविष्य चुनिए। जय हिंद, जय भारत।